हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब्स। सो हम देख लेते हैं आपके लिए लव रीडिंग जो होने वाली है 11th ऑफ दिसंबर टू 17th ऑफ दिसंबर। सो गाइज, इसमें हम देखने वाले हैं आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स और क्या एनर्जी रहने वाली है आप दोनों की इस वीक। एंड गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ कुछ परसेंट ही रेजोनेट करें। सो गाइज, अपनी सिचुएशन में से ज़बरदस्ती फिट ना करें। एंड अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ पेंटिकल, द लवर, द हेरोपेंट, फोर ऑफ कप्स। ओके, ये आपकी फीलिंग्स है, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। ओके, सो गाइज, इस वक्त, इस वीक आपकी जो एनर्जी होगी गाइज, वो आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो। ओके, किसी चीज़ से आप दूर भागने की कोशिश कर रहे हो बहुत टाइम से। यहाँ पर अब किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। ओके, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे हो, दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, बट वो चीज़ आपके बार बार सामने आ रही है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप, हो सकता है कि अपने पर्सन को अवॉइड कर रहे होंगे या फिर आप उनके साथ कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं, बिकॉज आपका जो रिलेशनशिप है इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से में गुजर रहा है। आपकी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। ओके, एंड यहाँ पर आप फीलिंग्स है गाइज, जो मिड वीक में रहने वाली है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से आप, मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप अपने मन को बहलाने के लिए आप कहीं बाहर जाओ, किसी दूसरी सिटी में जाओ। ओके, सो गाइज, यहाँ पर ट्रैवलिंग मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। आप बहुत टाइम से परेशान तो हो, बट आप इस बार सोच रहे हो कि आपको कहीं बाहर जाना चाहिए, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी चल रही है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे टफ वीक की जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि किसी चीज़ से आप को आप छुपा कर रख रहे हो, किसी चीज़ को आप बचा कर रख रहे हो, कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप किसी से ऐवी बात नहीं करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने सेल्फ की में रहने की कोशिश कर रहे हो, खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर मुझे आपके पर्सन आपके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में जिस तरह से प्रॉब्लम शुरू है, आप इस वीक आप अकेले ही ट्रैवल कर सकते हो एंड अकेले ही रहना चाहोगे। ओके, एंड यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी गाइज बहुत ज़्यादा एक लवेबल पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो एंड आप दोनों का जो बॉन्ड है वो आगे तक जाए। ओके, एंड यहाँ पर मुझे इस वीक की जो एनर्जी दिखाई दे रही गाइज, जो स्टार्टिंग की एनर्जी, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, बिकॉज आप उन्हें बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे हो एंड यहाँ पर वो बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हैं कि आपकी तरफ आए। ओके, बट उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त आप उनकी तरफ नहीं जाना चाहते हो एंड उनसे बात नहीं करना चाहते हो, बिकॉज आपकी लाइफ में वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम शुरू हुई है जो आप इन्हें ठीक तरह से बता भी नहीं पा रहे। ओके, एंड यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में दिखाई दे रहा है कि एक तरह से वो मेडिटेट कर रहे हो, कि अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो आपका वेट कर रहे हैं। ओके, एंड आपका वेट तब तक करेंगे जब तक आप सामने से उन्हें मना ना कर दो या सामने से आप उन्हें अपने पास ना बुलाओ। ओके, एंड यहाँ पर गाइस, वो उनके पास आपके अलावा भी ऑप्शंस हैं, बट वो चाहते हैं कि सिर्फ वो आपके साथ ही रहे। तो गाइस, इस वीक में आपके पर्सन की तरफ कुछ ऐसी एनर्जी भी आएगी, कुछ न्यू एनर्जी भी आते हुए दिखाई दे रही है, जो उनके साथ रहना चाहे, एज सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी कोई एंटर हो सकती है आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में। ओके, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उन पे ध्यान ना देकर वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ओके, एंड आपसे ही मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर जो आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है वो आपका वेट करेंगे इस वीक एंड आप उनकी वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है
या आपके लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, आप उन्हें ठीक से डिस्कस नहीं कर रहे हो। सो गाइज़ इस वीक आपके पर्सन आपका वेट करेंगे। एंड गाइज इस वीक के एंड में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में किस तरह की थर्ड पार्टी की एनर्जी भी आते हुए दिखाई दे रही हो। ओके सो हम देख लेते हैं आउटकम क्या आने वाला है। ओके नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड। ओके सो गाइज नाइन, नाइन की एनर्जी बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। नाइन की एनर्जी होती है एक करेज, एक सक्सेस की एनर्जी होती है। ओके सो गाइज यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ में प्रॉब्लम शुरू है उसमें कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। ओके एंड आपकी जो विश है, जो भी आप चाह रहे थे, वो यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके बिकॉज़ यहाँ पर आप बहुत टाइम से परेशान चल रहे थे एंड हो सकता है थोड़ी सी आपको और टाइम लगे, बट यहाँ पे मुझे आपका जो भी विश है, जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम इस वक्त शुरू है, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। सो गाइज इस वीक की जो एनर्जी है उसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, अकेले रहने की कोशिश करोगे एंड आपके पर्सन आपका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो किसी और एनर्जी के साथ इन्वॉल्व होते हुए अभी इस वक्त तो दिखाई नहीं दे रहे, बट आपकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी आ रही है। ओके थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आते हुए दिखाई दे रही है। ओके एरीज बाय।